गुलाब जामुन बनाना बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो खोया लिया है। ये खोया मैंने घर में ही बनाया है और इसको कद्दूकस से मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। आप चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं। और इसके लिए 1 किलो खोए के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली है। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है जो मैं 1 चम्मच इसमें डालूंगी। ये रसगुल्ले में फिलिंग, रसगुल्ले की फिलिंग है। ये काजू के टुकड़े हैं, इलायची पाउडर है और चिरौंजी और ये खाने वाला कलर। इन चारों को मिला के हम रसगुल्ला जब बनाएंगे तो उसकी गोली में बीच में ये भरेंगी। चाशनी के लिए हमने ये चीनी ली हुई है, ये केवड़ा लिया हुआ है और ये नींबू का रस है। इससे चाशनी साफ करेंगे। अब हम चाशनी पहले बना लेंगे क्योंकि चाशनी यदि हम बाद में बनाएंगे तो चाशनी भी गर्म होगी और रसगुल्ला भी गर्म होगा तो फिर वो उसमें फूट जाएगा। तो हम चाशनी पहले बना लेंगे तो तब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। जब तक हम इसको गोलियाँ तैयार करेंगे रसगुल्ले की तब तक वो ठंडी हो जाएगी चाशनी। इसके लिए हम अब पहले चाशनी बनाने जा रहे हैं। तो हमने जितनी चीनी ली है उसका दुगना पानी उसमें डालेंगे और फिर हम चाशनी बनाएंगे। अब मैंने ये भगोना ले लिया है। इस भगोने में ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। अब मैं इसी से नाप कर पानी भी डाल दूंगी। इसको हम जला दे रहे हैं। ये हम इसको पूरा भर देंगे। ये दो गुना जितनी चीनी ली उसका दुगना हम पानी इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये हाथों में ऐसे चिपकने ना लगे। ये चाशनी हमारी अब तैयार हो गई है। ये तैयार हो गई ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसे चमचे में लेकर अपनी उंगली ऐसे डुबाना चाहिए और ऐसे करके देखना चाहिए कि ऐसे लगाकर चाशनी को इसमें उंगली में ऐसे लगाकर देखना चाहिए थोड़ा चिपके। बहुत गाढ़ी हमें नहीं बनानी है, बस ये फीलिंग आए चिपकने की बस। उसके बाद हमको इसको बंद कर देना होगा। हमने जो केवड़ा लिया था वो केवड़ा वाला पानी हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब इस चाशनी को साफ करने के लिए हमने नींबू का रस जो मैंने लिया है ये 1 चम्मच नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी और ये चाशनी साफ हो जाएगी। ये देखिए अब इसका कलर धीरे धीरे बदल रहा है चाशनी का। एक चम्मच और हम ये रस डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमारी चाशनी साफ हो गई है। नींबू का रस डालने से इसका कलर बदल गया है। और बस जब आप चाशनी बनाएं तो उंगलियों से चेक कर लें ऐसे लगा करके अपने में, ये जब फीलिंग आने लगे चिपकने की तो आपकी चाशनी तैयार हो गई है रसगुल्ले के लिए। हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही तब तक हम लोग अब चलेंगे और रसगुल्ले के लिए, गुलाब जामुन के लिए तैयारी करते हैं। ये जो गुलाब जामुन के लिए जो हमने फिलिंग का सामान लिया था वो हम एक साथ
इकट्ठा कर लेंगे। ये चिरौंजी है, ये इलायची पाउडर है और ये काजू छोटा छोटा कटा हुआ है और इसी में हम थोड़ा सा कलर भी खाने वाला डाल देंगे और मिला के एक साइड में रख लेंगे। जब हम को ज़रूरत होगी तब तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसको साइड में रख देना है। अब हमें इसको देखना है, इसको मिलाना होगा हमको। इसको मिलाने के लिए मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी और उसमें इसको डालूँगी। ये मैंने इसको ले लिया है। अब मैंने ये छन्नी ले ली है, मैं ये मैदा इसमें डालूंगी। डाल के छानूंगी। और इसी में मैं जो मेरा बेकिंग पाउडर है ये एक चम्मच लेकर इसमें ही छान लूंगी। अब इसको अच्छे से हम मिला भी लेंगे, हाथ से भी मिला लेंगे। अब ये जो खोया है, अब हम इस खोए को पूरा इसमें डाल देंगे और हाथों से ही अब हमें इसको मिलाना होगा, जिससे कि ये पूरा मैदा इसमें मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी दिखाई ना पड़े, मैदा और खोआ बिल्कुल एक जैसा हो जाए। धीरे धीरे हाथों से हमें ऐसे मलते हुए इसको मिला लेना है। आप यदि आधा किलो खोआ लेंगे तो 125 ग्राम आपको मैदा डालना होगा, मतलब 250 ग्राम का आधा कर दीजिएगा। यदि आप ज़्यादा लेंगे तो आप बढ़ा दीजिएगा। जितना मैदा आपको लेना है वो आपके खोए पर डिपेंड करता है कि आपका खोया कितना है, उसी हिसाब से आपको मैदा लेना होगा। ये मैदा हमारा मिल गया है खोए में। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी भी डाल देंगे, थोड़ा देसी घी डाल करके थोड़ा मिलाएंगे। हाँ, इसको देसी घी डाल करके थोड़ा हम हाथों से मलेंगे इसको। मैदा तो हमारा मिक्स हो गया है तो ये बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है खोया, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें देसी घी भी हमें इसमें डालना होगा। अब जब देसी घी हमारा मिल गया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे इसको बाइंड करने के लिए। इससे हमारी गोलियाँ तैयार नहीं होंगी, गोलियाँ तब तैयार होंगी जब इसमें हम थोड़ा पानी भी मिलाएंगे। ऐसे जैसे आटा बनाते हैं रोटी वाला, बिल्कुल वैसे ही हमको इसका डो तैयार कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। ये बंधने लग गया है। ये हुआ है, थोड़ा सा और हम पानी देंगे।
से तैयार हो गया, सॉफ्ट हो गया है। दस मिनट इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। अब ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से हाथों से मसल लेंगे और उसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे अपने हिसाब से। आपको कितना बड़ा गुलाब जामुन चाहिए उस तरीके से आप गोलियां बना लीजिए। देखिए मैं इतनी बड़ी बना रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे निकाल ले रही हूँ जिससे कि आसानी रहे। ऐसे हम अलग कर लेंगे इसको, ऐसे ऐसे हम पीसेस इसको अलग कर देंगे ऐसे, जिससे कि इनको ये मैंने इतने पीसेस में अपने खोए को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको जो मैंने ये फिलिंग बनाई थी अब हम इसके अंदर भरेंगे ऐसे। देखिए ऐसे गोल गोल ऐसे आप अपना थंब इसमें लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो इससे छेद हो जाएगा, ये डेप्थ इतनी रहेगी। और फिर हम इसको लेकर के इसके अंदर ऐसे भर देंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे फिर से ये थंब इसके अंदर जाएगा और आप धीरे धीरे इसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे। तो ये देखिए ऊपर आ गया, और फिर हम इसको ऐसे दबाएंगे हल्के हाथ से, और हल्के हाथ से दबाने के बाद हम इसको ऐसे गोल गोल ये खुलेगा तो मुंह बंद कर देंगे और हल्के हाथ से गोल गोल चिकनी बिल्कुल चिकनी हो जानी चाहिए हमारी गोली, चिकनी होने तक हम इसे और जब खुल रही होगी तो हम उसको ऐसे हाथ से दबा देंगे। ये देखिए हमारी गोली ऐसे तैयार। ऐसे ही हमें ये सारे जितने भी हमने बनाए हैं इसके अंदर ये फिलिंग भर के हमको तैयार कर लेनी है। ये मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन, इनके अंदर सारी फिलिंग जितनी थी मैंने भर दी है। अब हम इसको डीप फ्राई करने जा रहे हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो देसी भी घी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले से ही इसको गर्म करने रख दिया था जब मैं इसको बना रही थी फिलिंग भर रही थी। अब देखिए हमारा ये तेल हो गया है। इसको चेक करने का एक तरीका है, आप कोई भी चीज़ लीजिए आटा वगैरह, मैंने ये आटा ही डाल रही हूँ, इसको डाल के देखिए और आपका तेल देखिए ये चीज़ उठ रही हैं बबल्स, यानी आपका तेल हो गया। और गुलाब जामुन को तलने के लिए बहुत तेज़ तेल गर्म नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ऊपर कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से आपका पकेगा नहीं, इसलिए बहुत तेज़ नहीं गर्म करिएगा। अब ये इसका मतलब है हमारे लाइक हो गया है गुलाब जामुन लाइक। अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे, ये देखिए गुलाब जामुन के लिए हमेशा आप तेल या घी जो भी यूज करें वो थोड़ा ज्यादा डालें, नहीं तो वो फिर तले नहीं जाएंगे। उनको तलने का तरीका ये होता है हल्का सा आप ऐसे घुमाते हुए तलेंगे, नहीं तो वो नीचे लगने लग जाते हैं। ऐसे हिलाते हुए तेल को हमको इसको तलना चाहिए, वो ऐसे मूव करेंगे नहीं तो नीचे वो लगने लग जाते हैं। आपको धीरे धीरे इसको हिलाते हुए तेल को बराबर हिलाते रहना पड़ेगा, तभी आपके ये गुलाब जामुन अच्छे तल पाएंगे, नहीं तो नीचे तली में लग जाएंगे। देखिए ये कलर आ रहा है, पिंकिश कलर आ रहा है हमारा। और इन्हीं गुलाब जामुन को यदि आप ज़्यादा तल दें तो आपके काला जाम बन के तैयार हो जाएगा, वो भी मैं दिखा दूँगी। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है धीरे धीरे, और हमको नीचे तली से लेते हुए ऐसे चलाना है
इस पर टच नहीं होना चाहिए, यदि टच होगा तो वो हमारा गुलाब जामुन फट जाएगा। नीचे से लेते हुए, ऐसे लेते हुए नीचे इसके बॉटम में टच कराना है, गुलाब जामुन में टच नहीं होना चाहिए, बॉटम में हमारा ये कलछम टच होना चाहिए और ऐसे घूमते रहना चाहिए। आप एक साथ चाहें कि आप सारे इसमें पलट लें और तल लें तो ऐसा संभव नहीं है, चार पांच से ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। यदि आप चाहेंगे इतने तो पूरा आपको भरना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। ये देखिए इनका कलर। अब हम इनको ऐसे निकाल के ये हमारी जो चाशनी है इसमें हम डाल देंगे। और करीब आधा घंटा से एक घंटे तक हमको इसमें डाले रखें। ये गुलाब जामुन अब हमारे तैयार हो गए हैं।